शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पिता इस सुंदर से सुबह के लिए आपने मेरे जीवन में एक नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिता आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, इसके लिए हर एक मसीह भाई बहन आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जान लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारा परमेश्वर ही हमारा उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम कितने भी सताए जाएं, कितने भी परेशानी में, कितने भी दुखों में, कितनी भी चिंताओं को उठा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम उस खुदा पर क्यों नहीं विश्वास करते, आज हम करेंगे। आज हम क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे। आज हम क्यों वचन नहीं पढ़ते हैं, आज हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरे वचनों से दूर रहा तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, आज हमें विश्वास रखना है और धैर्य रखना है और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने घुटने को टेक करके दोहाई देते हैं, दुख के समय, चिंताओं के समय, मुसीबत के समय, घड़ी के समय, अनेक प्रकार की समस्याओं के समय, यदि हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है और जहाँ भी आप कहीं भी हों, आपके बेटे और बेटियाँ, आपके घर परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, आज खुदावन उनको आशीष देने वाला वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम मीका की पुस्तक पढ़ते हैं, अध्याय 5 और वचन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, अध्याय 6 और वचन नंबर यहाँ पर लिखा 8 में लिखा है, उद्धारकर्ता परमेश्वर से ही है। इस बात को स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा, यदि जीवन से छुटकारा पाना है, गरीबी से दूर होना है, अनेक प्रकार की चिंताओं से दूर होना है, अनेक प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार के कामों से यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं, जो आपके काम सफल नहीं होते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, लिखा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर। यदि आपका कोई वैरी है, आपसे आनंद करता है, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि याद कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही परमेश्वर मुझे उठा लेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप गिरने नहीं पाएंगे, यदि आप गिरेंगे तो परमेश्वर, जो आप गिरेंगे तो परमेश्वर आपको उठा करके वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों हूँ मेरा यहोवा परमेश्वर ज्योति के द्वारा मेरे जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारा परमेश्वर, यदि हम अंधकार में जाते हैं, अंधकार की शक्तियों का सामना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा, वो हमारे जीवन में उद्धार करता जीवन देने वाला और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़ करके मेरा न्याय ना चुका दे। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमने पाप किया है और परमेश्वर से कहिए कि खुदावन, मैंने पाप किया है तेरे विरुद्ध जाकर के पिता परमेश्वर, इस कारण पिता परमेश्वर जो भी समय के अनुसार है पिता परमेश्वर, वो मेरी जिंदगी में मेरा न्याय करें और मेरा मुकदमा पिता परमेश्वर चुकाए, कि परमेश्वर मैं आपके सामने, क्योंकि आप उस उजियाले को बनाने वाले हैं, उस अंधियारों को अलग करने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा हर एक वस्तुओं को बनाने वाले आप है पिता परमेश्वर, मनुष्यों की संरचना करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके हर कामों के द्वारा ही पिता परमेश्वर हर एक चीजों को आपने अच्छा बनाया। इसलिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे बैर करते हैं या बैर रखते हैं कि वे तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ है, वह भी देखेगी और लज्जा से मुंह ढपेगी।
तो मेरे प्रियो, जो आज आपसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, आज तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं लग रही, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे हैं, उनको सही गाइडेशन, सही बातों का सही नॉलेज नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका मुँह लज्जा होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें ताकत देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हर वह मनुष्य का मुंह लज्जा होगा जो परमेश्वर के प्रति बोलते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तुझे नहीं बचाया, तू बीमारी में पड़ी है, तू चिंताओं में पड़ी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ जब राजा हिजकिया के जीवन में हम जब देखते हैं तो उसको भी ऐसे जीवन में घटनाएं घटती हैं। क्या होता है कि राजा हिजकिया के जीवन में मौत का समय आ जाता है, मौत का संदेश आ जाता है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने घुटने को टेक करके आंसुओं को बहा करके कहा, पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि पिता परमेश्वर मैं अपने जीवन में खराई से चलता आया हूं, लेकिन जब फिर भी यदि मुझसे कोई गलती हो गई, पिता मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे जीने के लिए समय दीजिए। तो परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष की आयु दे दिया था। तो क्या आज जीवन से बढ़ करके आपके जीवन में बीमारियां हैं? नहीं मेरे प्रियो। तो इसलिए याद रखिए कि खुदावंद का वचन क्या कहता है, उसकी ताकत जो परमेश्वर ने अनेक अनेक प्रकार के लोगों को बनाया, अनेक अनेक प्रकार के विचार के लोगों को बनाया, तो आज वो खुदावंद हमें कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभालने वाला तेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम पर दया करता है, वो हम पर दया करने वाला है, वो हमारा चरवाहा है। आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं, आज हम उस सब की भेड़ हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप मेरे चरवाहा हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस दिन आप अपने जीवन से लेकर के समस्याओं को लेकर के प्रार्थना शुरू कर देंगे, उस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। यदि आज आपके पास समय नहीं है तो फिर भी आप इस प्रार्थना को सुनिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कहता है कि तू मेरा अपना मन मुझे मेरी ओर फेर। पिता परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना मन मेरी ओर दे तो मैं तेरी जिंदगी में हर एक कामों को करूंगा। और बहुत आसानी के साथ परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला। चिंताओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में आप फंसे हुए हैं तो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूँ कि इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावन आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में भलाई की है और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाए पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने
वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर। हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावंद कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएँ खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहने हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार की बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पर पिता आप मदद करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं, जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, कि मेरे
जीवन से दूर हो। ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं, मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके शरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे, मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं, आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर, तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे, यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर, इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज्यादा दुखित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर, इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है। तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, उठे हैं पिता परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है
पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुए पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आप पहुँची है पिता परमेश्वर, आज मेरी बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर, उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर, कि मेरे हर प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, पिता परमेश्वर मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है। यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता, कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता, अपने शरीर रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा, आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है। यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।